हिमाचल में सेब उत्पादन पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल प्रदेश में बीते कुछ वर्षों से सेब का कुल उत्पादन प्रदेश में गिरा है, जिसके कारण मौसम में आया बदलाव भी माना जा रहा है। और साल 2022 देश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सेब की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो वहीं पिछले एक दशक में वार्षिक उपज में गिरावट आई है। अब ऐसे में प्रदेश के सेब किसान इस खतरे को लेकर परेशान हैं। ये परेशानी का विषय है, सरकार के लिए भी परेशानी का विषय है और किसानों के लिए भी परेशानी का विषय है। हर साल हम देख रहे हैं कि 2010 के बाद वो जो कल्टीवेटिंग एरिया हिमाचल प्रदेश में सेब का बढ़ा है, डिस्पाइट ऑफ कल्टीवेटिंग एरिया बढ़ने के कारण भी हमारा जो उत्पादन नहीं बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रोडक्शन कम होने का कारण है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो रेड डिलिशियस पर हम खेती कर रहे हैं। रेड डिलिशियस ऐसी वैरायटी है कि इसको जो है एक तो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, सेकंड इसमें जो जिस वक्त क्लाइमेट ख़राब होता है उस वक्त अगर प्रॉपर पॉलिनेशन ना हो तो इसमें फल कम आते हैं। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के बगीचों में सबसे पहले तो पॉलिनेशन की कमी है, पॉलिनेटर वैरायटियों की कमी है।